हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। इसको रिव्यू करने वाले हैं प्लेसमेंट, एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म, हॉस्टल्स, जितने भी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना और लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर से करना। देखो, क्वांटम यूनिवर्सिटी क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपको उत्तराखंड और इंडिया में मिलता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आते हैं लेकिन सभी का एडमिशन नहीं हो पाता, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी उसमें से एक है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। इससे पहले इसका नाम क्वांटम ग्लोबल कैंपस रुड़की था और ये रुड़की उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अब कैंपस जो है आपका ये रुड़की में है, एग्जैक्ट रुड़की में नहीं है, थोड़ा सा वहाँ से दूर है, कह सकते हो शहर से बाहर है 20-25 किलोमीटर, और इनका कॉरपोरेट ऑफिस देहरादून में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको BCA के बारे में बताने वाला हूँ और BTech भी कोर्सेज अवेलेबल है, और भी कोर्सेज हैं लेकिन स्पेशली BCA के बारे में हम बात करेंगे। BCA आपका बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ये आपका 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इसमें आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हो। देन उसके बाद यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज C, C++, HTML और जावा एक्सेट्रा। ये आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो हो गए। अब एप्लीकेशन फॉर्म देखो, 1000 रुपये ऑफिशियल फ़ी है, डिस्काउंटेड प्राइस है 100 रुपये, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्काउंटेड कूपन डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको चेकआउट कर लेना। जब आप फीस फिलअप करोगे तो वहाँ पे कूपन कोड मांगा जाएगा, कूपन कोड में जो कूपन कोड है, जो डिस्काउंटेड कूपन कोड है वो डाल देना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो 100 रुपये में आप फीस फिल कर पाओगे। देखो, एडमिशन नहीं लेना लेना वो आपके ऊपर है, फॉर्म जरूर से फिलअप करो ताकि आपका एडमिशन का मौका आपके पास रहे। क्वांटम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके अच्छे क्लास 12th में मार्क रहेंगे और जो इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस पर मार्क रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ में ये हरिद्वार और ऋषिकेश में है, तो हरिद्वार वहाँ से नज़दीक है, जिसमें आप रिवर राफ्टिंग, क्लिप जंपिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग ये सभी चीज़ कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ट्राई एक बार जरूर से कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता तो यहाँ पर डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो, और ऑप्शन से आपको लेके चलने होते हैं। इस्टैब्लिश हुआ था 2008 में, लोकेशन रुड़की उत्तराखंड में, इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है और कैंपस 30 एकर्स का है। आप लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं, तो सभी जगह के बच्चे आते हैं, दिल्ली के बच्चे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चे आते हैं, आसाम के बच्चे आते हैं, तो सारी जगह के बच्चे आते हैं। देख सकते हो यूनिवर्सिटी जो रुड़की शहर है उससे दूर है, रुड़की देहरादून हाईवे पे है, वेल कनेक्टेड है, दिल्ली टू देहरादून आपको फ्लाइटेड मिल जाएंगी। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका सहारनपुर, 30 मिनट दूर है जो कि यूपी में है, और रुड़की 30 मिनट दूर है जो कि उत्तराखंड में है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में, जो कि 45 किलोमीटर है। NRF की रैंकिंग बात करें तो यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं इसको मिला है, क्योंकि अभी अभी यूनिवर्सिटी बना है 2008 में, तो रैंकिंग अभी नहीं है। इसके अलावा द वीक और IMRB का रैंकिंग अवेलेबल है। अब इसके जो मोड ऑफ एडमिशन है उसमें आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो कि Q-CARE टेस्ट है, जो कि ऑल इंडियाबल एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आप UG के कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। आप UG में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। क्वांटम यूनिवर्सिटी में क्लास 12th के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, तो अगर ये फॉर्म भर दोगे तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहेंगे। फी स्ट्रक्चर दे सकते हो, BCA के दो अलग अलग कोर्सेज हैं, BCA और सिंपली एक BCA ऑनर्स है, जिसमें आप ऐप डेवलपमेंट के तौर पे काम कर सकते हो। एलिजिबिलिटी 10+2 कोई भी स्ट्रीम से हो, मैथ और कंप्यूटर होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और आप अगर BCA ऑनर्स कर रहे हो तो आप 10+2 कोई भी स्ट्रीम से हो लेकिन मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 3 साल का कोर्स है। अब देखो, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जो आपके फीसेज हैं वो 64,000, यानी कि एक ईयर में लगभग 64,000 लगेगा। देन उसके अलावा अगले सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपका 57,000 और 41,000 98,000 आपके फीस लगेंगे। तो ये हो गया। देखो, ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो, मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हो ये आपका सिंपली BCA का है। फर्स्ट ईयर में आपको 64,000 और सेकेंड ईयर में आपको 67,000, उसके बाद ये आपका BCA ऑनर्स का है 98,000 और 101,000। तो इस तरह से आपकी कुछ फीस है। हॉस्टल्स के फीस देख सकते हो, हॉस्टल्स 3 बॉयज़ हॉस्टल्स है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है, कैपेसिटी देख सकते हो 1200 सीट्स हैं और 600 सीट्स हैं, AC नॉन AC दोनों हैं। सेमेस्टर वन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 41,000 रुपीज़ लगेंगे हॉस्टल फ़ी, और आप एयर कंडीशन लेते हो तो 52,000,
सेमेस्टर टू के लिए भी सेम है। इसके अलावा लॉन्ड्री वॉन्ड्री ये सभी चीज़ें हैं, इनका बैंक अकाउंट नंबर है और यूनिफॉर्म चार्जेस इतने हैं। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है बीटेक प्रोग्राम के, आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ बीसीए के, जो आपके बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसके भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि बीसीए का आप यहाँ देख सकते हो 60 से लेकर 69.9% यानी कि 70% है, तो 7000 70 से लेकर 79.9 तक है तो 10000, 80 से लेकर 89.9% है 12000, 90 से अबव है तो आपको 15000। ये आपके जो मार्क्स है, ये आप जो आपका क्यूकेयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वांटम एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप, उसमें अगर ये मार्क आते हैं तो आप इजीली स्कॉलरशिप ले सकते हो। इनके अलग अलग कोर्सेज हैं जैसे कि क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटम स्कूल ऑफ बिजनेस, क्वांटम स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल्स के बारे में बात करूँ तो बेस्ट एकदम वेल मेंटेन हॉस्टल है, 24 आवर सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, एसी नॉन एसी दोनों है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। पानी पीने की व्यवस्था है, साथ में 24 आवर वाटर सप्लाई है और 24 घंटे लाइब्रेरी का भी एक्सेस है, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी है। और जो हॉस्टल्स है वो गर्ल के लिए स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मान लो बॉयज़ के लिए तो तब भी 9 बजे तक हॉस्टल के गेट्स खुले रहते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए 8 बजे गेट बंद हो जाता है। और वाईफाई भी अवेलेबल है और कॉमन रूम है जिसमें एक एलईडी टीवी है। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर जाओगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। डाइनिंग फैसिलिटी की बात करें तो वहाँ पर मेस अवेलेबल है, फूड ठीक ठाक है, सभी हॉस्टल्स में एक तरह के ही फूड होते हैं, साथ में कैंटीन और रेस्टोरेंट है तो आप पैसा देके वहाँ पे भी खा सकते हो, कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोर्सेज आप देख सकते हो, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक में ही है, इसके अलावा बीटेक ऑनर्स भी है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें बीएससी आईटी बीसीए बीसीए ऑनर्स मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आप अगर बीसीए के बाद एमसीए करना चाहते हो तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था 33.5 लाख पर एनम, नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट की थी वो 173 थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए वो 672 हैं, टोटल विजिट जो पैंडमिक के समय हुआ था वो 150 प्लस, ओवर 60% जो कैंडिडेट है वो प्लेस हो गए थे, पैंडमिक के समय में बात कर रहा हूँ। टोटल ऑफर 350 प्लस था और एवरेज पैकेज 4.86 लाख, एवरेज 4 to 5 लाख के बीच में इनका एवरेज पैकेज है। SCL ब्रिजस्टोन जैसे कंपनियाँ टॉप रिक्रूटर्स हैं जो बच्चों को प्लेसमेंट देती हैं। फैकल्टी की बात की जाए तो फैकल्टी क्वांटम यूनिवर्सिटी का वेल एजुकेटेड है, अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ वे कहते हैं, और जो वहाँ पे नेचर वो भी काफ़ी अच्छा और सपोर्टिव है स्टूडेंट के प्रति। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो एकेडमिक लैब वेल इक्विप्ड हैं और देख सकते हो लैब काफ़ी अच्छे हैं, बच्चों को लैब करने का भी मौका दिया जाता है। लाइब्रेरी फुल्ली एयर कंडीशनर लाइब्रेरी है, वहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज़ और जो भी आपके पैशन है वो फॉलो कर सकते हो। एक शब्द यूज़ किया गया है इंटरडिसिप्लिनरी, जो कि उन बच्चों के लिए, जैसा कि मान लो कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस लेता है और उसको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रीकल्चर में या साइबर सिक्योरिटी में, तो वो भी कोर्स कर सकता है साथ साथ में। आप एक कोर्स लेके एक और कोर्स कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है या फिर फ्रीलांसिंग में है, कोई भी कोर्स अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो भी अपने कोर्स के साथ साथ कर सकता है, तो इसमें आपको मौका दिया जाएगा। आप अगर सक्सेसफुल होगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो बच्चे इजीली जाते हैं। जिम भी है, तो लड़कियाँ दोनों के जिम हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं। तो ये ओवरऑल है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज तो मैंने आपको बता दिया जो अच्छी अच्छी बातें थी, आप कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कॉलेज देखो अभी 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो अभी ग्रोइंग फेज में है, तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। अटेंडेंस की बात करें तो 75% जो कि प्राइवेट कॉलेज में डिमांड रहती है। हॉस्टल्स आपके स्ट्रिक्ट हैं कि आपको 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में वहाँ पर रहना है, और कुछ इनके जो बिल्डिंग है वो अभी भी बन रहे हैं, हॉस्टल बन रहे हैं क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आपका देहरादून रुड़की के हाईवे पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो शहर से थोड़ा सा दूर रहते हैं ताकि वहाँ शांति हो। कॉलेज एकर्स में रहते हैं, 30 एकर्स 40 एकर्स, ये तो तब भी थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज 600 एकर्स या 100 एकर्स में रहते हैं, तो वो शहर से बाहर रहते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ में इनके कॉलेज के फैसिलिटीज़ में बसेस भी अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे बच्चे उत्तराखंड से भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा
इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी पढ़ते हैं, तो फ़ायदा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एडमिशन के लिए ज़रूर से अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भरना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर से करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @PallavasuFilm। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।